Today's video is on political science as an optional subject. देखिए मुझे अंदाज़ा है कि दिस इज़ अक्टूबर और एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्र है, परेशानी है कि हम पॉलिटिकल साइंस को कैसे कवर करें, क्योंकि इसकी कंटेंट लिस्ट बहुत वास्ट है और इसके सब्जेक्ट्स जो हैं, इसके टॉपिक्स जो हैं वो भी बहुत वास्ट हैं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इनिशिएट अ सेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी. सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस तैयार करने के लिए इस वक्त वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में से वो फ़िलासफ़र्स चूज़ करने होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप FPSC के पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स देखिए, पास्ट पेपर्स को ऑब्ज़र्व कीजिए और ऑब्ज़र्व करने के बाद प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली पे जो क्वेश्चंस हैं उन एस्पेक्ट्स के साथ साथ उनके बाकी एस्पेक्ट्स को भी तैयार करें, उनकी थेरीज़ को तैयार करें, क्योंकि पेपर में रेपिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती. आप पास पेपर से ऑब्जर्व कर लेंगे कि अगर प्लेटो का कोई एक कॉन्सेप्ट जैसे कॉम्युनिज्म है या एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो ये बहुत रेयर होता है कि वो नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट करे. लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के टॉपिक्स को तैयार करते हुए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि FPSC के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, और पॉलिटिकल साइंस में यूजली फर्स्ट 10 वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें अच्छी तरह तैयार करें. इसके अलावा मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में 2 या 3 प्रोमिनेंट नेम्स हैं, उनके लिए ये बेहतर है कि आप उन फ़िलासफ़र्स को तैयार करते हुए उनकी एक थ्योरी को देखें और उनका कंपैरिजन वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स से करें. पॉलिटिकल साइंस में आई स्कोर्ड 144 और आई स्कोर्ड 144 इन पॉलिटिकल साइंस, एंड आई वुड एडवाइज यू पीपल टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, क्योंकि उससे आपका जो टोटल एग्रीगेट होगा, मार्क्स का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस में वेल स्कोर करते हैं. 2021 को एनालाइज़ करूँ तो मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में इतने अच्छे मार्क्स इस बार लोगों के आए हैं. एस्पिरेंट्स के इस बार लो स्कोर था. आई हैव ऑब्जर्व नंबर ऑफ DMCs एंड आई हैव कम टू नो कि एस्पिरेंट्स स्कोर वेरी लो इन पॉलिटिकल साइंस. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 100 को क्रॉस किया, 120 को क्रॉस किया पॉलिटिकल साइंस में. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स फर्स्ट 10 जो है वो आप तैयार करें, और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में जो इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र्स हैं उनकी थेरीज़ को अच्छी तरह तैयार करें और उनका क्रिटिसिज्म भी देखें. अगर आपसे पेपर में क्रिटिसिज्म पूछा जाए तो ज़रूर डिस्कस करें, अगर ना पूछा जाए तो बिल्कुल डिस्कस ना करें. फिर हम मूव करते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन, सॉवरेनिटी की डेफिनेशन, और उन पे जो ट्रीटीज़ हैं, मतलब जो ट्रीटीज़ हैं, ट्रीटीज़ में केस लॉज होते हैं, लीडिंग केस लॉज जो पॉलिटिकल साइंस के हर एक कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं, आपने वो भी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं. उन्हें तैयार करने से ये होता है कि आप एनालाइज बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को. पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशंस कंपैरेटिवली तैयार होने चाहिए, यानी आपको कंपेयर करके तैयार करना है. आप US, UK और टर्की को कॉन्स्टिट्यूशन तो करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उस पोर्शन को पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरह ही डील करना होता है, और वहाँ पर आपने अच्छा एनालिसिस जो पेश करना होता है. यू हैव टू कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस. जैसे अगर मुझसे US कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के US का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हुए मैं उसे UK और या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके एग्जामिनर को जो है ना वो दूँ, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे पेपर में आप प्रेजेंट कर सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मेरे हाई स्कोर करने की वजह जो मुझे लगती है वो ये कि मैंने रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा लिखे थे, कोटेशंस बहुत ज़्यादा लिखी थी. अगर मैंने मोंटेस्क्यू, मैकियावेली या एरिस्टोटल पे कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता था पहले भी उसे, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू राइट नंबर ऑफ़ कोटेशंस, मैं उसे सपोर्ट करती थी और बुक्स के रेफरेंसेस भी देती थी कि अगर मैंने आर्ग्यूमेंटेशन करनी है किसी क्वेश्चन के आंसर में तो मेरी आर्ग्यूमेंटेशन प्रॉपर हो. दूसरा, आई ऑलवेज़ यूज़ टू राइट एन स्टेटमेंट, मैं कभी भी स्टेटमेंट से नहीं हटी. अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं द प्रिंस के बारे में तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं द प्रिंस के साथ साथ मैकियावेली की लाइफ हिस्ट्री को भी डिस्कस करना शुरू कर दूँ, ये बताऊँ कि वो यहाँ पैदा हुआ था या वहाँ पैदा हुआ था. दिस इज़ नॉट माई कंसर्न, और ना ही मुझे इस तरह की बातें लिखनी होती हैं. जस्ट हिट द बल्जाए और डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर पर जंप किया करें. आई होप कि अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से डील करेंगे और वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को कोटेशंस के साथ तैयार करेंगे, उनकी सेइंग्स के साथ तैयार करेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. दूसरी बात यह कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपने एनालाइज़ करना है हर चीज़ को. जब आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपने हर चीज़ को एनालाइज़ करना होता है. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पर गाइड करूं और एक अच्छा सा हम सेशन रखें जिसमें हम डिटेल से हर टॉपिक को डिस्कस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आई विल ट्राई टू आंसर। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद।